सभी को जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त रितेश ठाकुर वेलकम करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रनिंग में आप लंबे कदम बिल्कुल कैसे रख सकते हो, लंबे कदम रनिंग में क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट बता देता हूँ कि अगर आप छोटे कदम से दौड़ते हो, अगर आप दो रखोगे पीछे वाला बंदा आपको एक ही रख के आपसे आगे निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, 1600 मीटर में अगर आप रनिंग कर रहे हो आपको लंबे कदम बिल्कुल जरूरत पड़ते हैं। जितना लॉन्ग रेंज है, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज है, इसमें लंबे कदम बिल्कुल जरूरत पड़ता है। ठीक है दोस्तों अभी बताने वाला हूँ कि चार वर्कआउट जो मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा, इसको आपको फॉलो कर लेते हो 20 से 25 दिन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको लंबे कदम रनिंग में रखने लगोगे। एक मंथ है बिल्कुल 100% रिजल्ट मिल जाएगा आपको, बिल्कुल रनिंग में आपका होने लगेगा। तो दोस्तों ये चार वर्कआउट में जो मैं बताया हूँ उसको बेस्ट डेली शेड्यूल में आपको चैनल पर भी नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो भी दोस्त मेरा भाई 1600 मीटर का तैयारी कर रहा हो दोस्तों। ठीक है, और चलो मैं दिखाता हूँ ये चारों वर्कआउट कौन कौन से हैं। दोस्तों इस वर्कआउट को करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली एक पेड़ के सहारे भी आप कर सकते हो और दीवार के सहारे भी बिल्कुल कर सकते हो, और आपका जो नी है ऑलमोस्ट आपका कमर तक आपको ऊपर तक ले आना है। ठीक है, और बिल्कुल आपको आराम से बैलेंस करके बॉडी करना है और इस वर्कआउट को आपको रनिंग के बाद ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वर्कआउट में आपको हल्के पैरों से आगे तक स्ट्रेच करना है और आपको ज़बरदस्ती का पैर आगे नहीं ज़्यादा से स्ट्रेच करना है। और इस वर्कआउट को करने के लिए आपको 30 से 40 मीटर आप आगे जा सकते हो, दिखा रहा हूँ जिसमें, और बिल्कुल आप इसमें कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये इस वर्कआउट को करोगे बिल्कुल ये आपको लंबे पैर यहाँ पे 30 से 25 दिन में बिल्कुल होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर इसको आप रनिंग के बाद बिल्कुल करते हो तो डेली शेड्यूल में। तो दोस्तों इस वर्कआउट में आपको करना है कि आपको ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर या हिल एरिया में रहते तो बहुत बढ़िया है। ओवर ब्रिज आप गांव से बिलोंग करते हो तो ओवर ब्रिज या फ्लाई ओवर में देख लेना और ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे आना है, डाउन आना है और सिर्फ अपने बॉडी को बैलेंस करना है। तो लंबे लंबे पैर में आपको ऑटोमेटिक आपके पैर अपने आगे निकलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप साथ साथ रेपिटेशन करना है रनिंग के दौरान, रनिंग के बाद, और बिल्कुल आपके यहाँ इस वर्कआउट में सबसे ज़्यादा आपका लंबे पैर होते हैं। ठीक है दोस्त, और स्पीड भी आपकी बढ़ती है। और दोस्त इसी वर्कआउट को भी आपको करना है 7 से 8 बार, और इसमें करना है कि आपको हैंड पोजीशन जहाँ पे हो वहाँ पे लेग पे आपने धीरे धीरे आगे फेंकते रहना है। ठीक है दोस्तों, इसका भी आप 10 से 12 रेपिटेशन लगा सकते हो। ठीक है दोस्त, और ये भी बहुत ही अच्छा है आपको लंबे पैर करने के लिए वर्कआउट। और दोस्त ये है 20 की भी आप कर सकते हो और ये भी बहुत अच्छा है आपको, जो लंबे पैर आगे नहीं खुलते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है, इसको भी आप कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक भी कर दें, और चैनल पर भी नहीं है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करो दोस्तों। अगर डिफेंस रिलेटेड आपको कुछ भी फिजिकल में दिक्कत आ रही है, ठीक है दोस्तों, 1600 मीटर या 5 किलोमीटर रेंज में जितना मीटर रेंज का रेस है, तो बिल्कुल कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर करूँगा उस वीडियो को। और दोस्तों ये जो चारों वर्कआउट बताएँ उसको आपको डेली शेड्यूल में रखना है और बिल्कुल आपसे मैं बताता हूँ कि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको लंबे स्टेप होने लगेगा। ठीक है, और दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियो जो रनिंग से पहले वार्म अप आपने नहीं किया वो वीडियो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर, तब तक लिए आप सभी को जय हिंद।